सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नी वीडियो गाइज। और एक एक्साइटिंग वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए हो रहा है जो भाई यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर रहे हैं एंड यूट्यूब चैनल का नेम बार बार चेंज कर रहा है। तो गाइज, बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप यूट्यूब चैनल का कस्टम URL को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, कस्टम URL क्या है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, मान लीजिए आप किसी यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है, उसके अंदर आप लोग कस्टम URL क्लेम कर लिया है। कस्टम URL होता क्या है, YouTube.com/c/ यहाँ पे आपको बहुत सारा टेक्स्ट लिखा मिलता है, तो उसके अंदर YouTube.com/c/ उसके अंदर आप अपना चैनल का नेम लिख सकते हो, आप उसके अंदर कुछ कस्टम टेक्स्ट लिख सकते हो, तो वही हो गया है कस्टम URL। सो गाइस, अगर आप अपना YouTube चैनल का कस्टम URL को क्लेम कर लिया है, उसके बाद आप अपने YouTube चैनल का नेम चेंज कर दिया, उसके बाद आप अपना कस्टम URL को भी चेंज करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो मैं इस वीडियो में बताने जा रहे हो। सो गाइस, मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहूंगा। तो मेरा एक YouTube चैनल था जिसका नाम है ऑल अबाउट लेटेस्ट। तो रिसेंटली मैंने उस चैनल का नेम द क्रेजी गेमर्स कर दिया है। तो उसके अंदर मेरा जो ऑल अबाउट लेटेस्ट का YouTube चैनल था, उसके अंदर मेरा कस्टम URL एनेबल था, जिसके अंदर YouTube.com/c/allaboutlatestcustomurl था। तो मुझे उसको चेंज करके द क्रेजी गेमर्स करना होगा। तो कैसे मैं उसको कस्टम URL को चेंज कर सकता हूँ मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो गाइज, अगर आप कुछ स्टेप से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल्स में बताया है कि कैसे आप अपना कस्टम URL को चेंज कर सकते हो। एंड गाइज, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर हर रोज मोबाइल एंड कंप्यूटर एंड यूट्यूब चैनल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड फायदेमंद हो सकता है। तो चाहो तो आप मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आप अपना YouTube चैनल का कस्टम URL को चेंज करना चाहते हैं, आप किसी दूसरा नेम देना चाहते हैं उस कस्टम URL का, तो सबसे पहले आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लीजिए। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसके बाद ऊपर में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके उसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपना YouTube स्टूडियो को ओपन कीजिए। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने YouTube स्टूडियो को ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जो सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सिंपली वहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैनल के ऊपर क्लिक करना होगा। चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड नीचे आपको आना होगा, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब अकाउंट, तो सिंपली आपको यूट्यूब अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अपना कस्टम URL को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मेरा जो कस्टम URL है ऑलरेडी से एनेबल है, तो किस नाम से मेरा कस्टम URL है। तो मैं यहाँ पे चैनल टेटस एंड फीचर्स में गया एंड वहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को देखने की कोशिश करूंगा। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इस चैनल का ऑल अबाउट लेटेस्ट है मेरा कस्टम URL, क्योंकि मेरा इस चैनल का नेम मैंने रिसेंटली चेंज किया है द क्रेजी ग्रामर्स के नेम से। इस चैनल का नेम ऑलरेडी था ऑल अबाउट लेटेस्ट, तो मेरा ऑल अबाउट लेटेस्ट के नाम से ही कस्टम URL है, तो मुझे इसको चेंज करना है। अगर आप भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम में पड़ गए हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो मुझे इस ऑल अबाउट लेटेस्ट को चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए बैक कर दीजिए। एंड बैक करने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो एडिट ऑन गूगल, तो सिंपली आपको एडिट ऑन गूगल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप लोग एडिट ऑन गूगल के ऊपर क्लिक कीजिए एंड एडिट एंड गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा कस्टम URL जो है YouTube.com/c/allaboutlatest, तो मुझे इसको एडिट करना होगा, मुझे अभी द क्रेजी गेमर्स करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे पेंसिल का आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉस चिन्ह है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तो क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए।
एंड कंटिन्यू करने के बाद इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप सीधा बैक आइए एंड यहाँ पे इसको फिर से बैक करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे चैनल स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर फिर से क्लिक कीजिए। एंड फिर से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टम यूआरएल क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल, तो यहाँ पे क्लेम इट हेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। सो गाइस नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम यूआरएल, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो क्लेम इट हेयर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली आप क्लेम इट हेयर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल अबाउट लेटेस्ट जो मेरा पहले था। तो मुझे अभी करना होगा यहाँ पे द क्रेजी गेमर्स, आपका चैनल का नेम जो होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे द क्रेजी गेमर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, आपका जो नेम है चैनल का नेम है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहो तो कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आई हैव रीड द यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर यहाँ पे चेंज यूआरएल के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग चेंज यूआरएल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है मेनी पीपल हैव द सेम नेम ऐड फ्यू एक्स्ट्रा लेटर और नंबर, तो ऑलरेडी से इस नाम से कुछ और भी चैनल है तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे YT लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे YT लिख दिया। तो गाइस हम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे YT लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज URL के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड चेंज URL के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे मेरा कस्टम URL चेंज हो जाएगा। सो गाइस आप लोग कैसे चेक कर सकते हो आपका चैनल का URL कस्टम URL चेंज हुआ है नहीं हुआ है? तो सबसे पहले आप लोग बैक कीजिए, तो आप लोग सीधा बैक कीजिए एंड बैक करने के बाद आपको फिर से एक ऑप्शन में जाना होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने चैनल का आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे YouTube स्टूडियो के ऊपर क्लिक कीजिए एंड YouTube स्टूडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद चैनल के ऊपर जाइए, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यूट्यूब अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे और एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो कस्टम यूआरएल है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कस्टम यूआरएल सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, द क्रेजी गेमर्स YT मैंने लिखा था तो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो अगर आप भी अपना चैनल का कस्टम यूआरएल को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइप से ही चेंज कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके ध्यान से वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।